बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बुनावा कीमा। कीमा लिया हमने आधा किलो, एक टेबलस्पून हमने सुरख मिर्च ली, हाफ टेबल स्पून हमने काली मिर्च ली, एक चम्मच हमने हल्दी ली, 10-12 काली मिर्च ली, एक चम्मच जीरा लिया और एक चम्मच हमने नमक लिया, आधा कप हमने ऑयल लिया, 2-3 टमाटर लिए हम काट लिए, 2 हरी मिर्चें ली हैं, एक चम्मच गरम मसाला लिए हम एंड में डालेंगे, और एक चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 2 हमने बड़ी प्याज ली है। जब हमारा कीमा तैयार हो जाएगा फिर हम ऊपर से ये डालेंगे। अदरक है एक छोटा सा पीस काट लिया था हमने बारीक बारीक, 2-3 हरी मिर्चें हैं, थोड़ा सा हरा धनिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, अब हम इसमें अनियन डालेंगे, इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे हम। इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे फिर आपको दिखाते हैं हमें क्या करना। ये हमारी प्याज और ब्राउन हो गई लाइट, बिल्कुल ब्राउन करनी, इतनी ब्राउन करनी है बस। और इसमें जीरा डाल देंगे और काली मिर्च डाल देंगे, एकदम मिल जाएंगे। इसमें हम सारा अपना स्पाइसी डाल देंगे, अदरक लहसुन वगैरह डाल देंगे, टमाटर अदरक लहसुन हरी मिर्च। 2-3 मिनट बीच पकाएंगे, दिखाते हैं आपको। ये हम कीमा भी साथ ही डाल देते हैं ताकि हमारा कीमा भी अच्छी तरह भुन जाए, इसके अंदर टमाटर वगैरह भी गल जाए, फिर आप जब ये पक जाएगा इसको 5-6 मिनट इसी तरह पकाना है ताकि टमाटर भी गल जाए और कीमा भी अच्छी तरह भुन जाएगा इसके अंदर, फिर दिखाते हैं आपको। हमारे टमाटर भी गल चुके हैं और अब अच्छी तरह अपना कीमा भून लेते हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं, कीमे को हम तकरीबन 5-6 मिनट और भूनेंगे। जब हमारा ऑयल पर आ जाएगा बंद कर देंगे। फिर ये कीमे को हमने अच्छी तरह भून लिया, बहुत अच्छे तरीके से हमें 5-6 मिनट भूने। ये ऑयल ऊपर आ गया, हमारा कीमा तैयार है। हम डिश आउट करते हैं, इसमें गर्म मसाला पहले डाल देते हैं जो हमने आपको स्वाद में डाला, 1 टेबल स्पून। हम इसे डिश आउट करते हैं, आपको दिखाते हैं। यह हमारा भुनावा कीमा अब तैयार है। प्लीज आप ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको हमारा कीमा कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।